नहीं है। अस्सलामुअलैकुम क्लास, हम कंटिन्यू करते हैं इसको। अच्छा, एक चीज जो मैं कह रहा था, मैं जो यहाँ बोर्ड पे बनाने के लिए मैं चाह रहा हूँ कि चले ऑनलाइन स्टूडेंट भी देख लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इसको हम स्टोरेज पैरामिड भी मेरे ख्याल पे कहते हैं। ये विजिबल है ना आप सबको? ठीक है, ये देखें, आपको बता रहे हैं इंक्रीज ऑर्डर ऑफ एक्सेस टाइम। जैसे जैसे एक्सेस टाइम उसका जो है वो बढ़ता जा रहा है, यानी कम होता जा रहा है सॉरी, तो उसका स्टोरेज जो है वो स्टोरेज भी कम हो रहा है और स्पीड बढ़ रही है। तो ये देखें, जैसे हमारे पास रजिस्टर है, कैशे है, पहले हमारे पास रजिस्टर है, फिर कैशे है, फिर मेन मेमोरी है, फिर मैग्नेटिक डिस्क है, फिर उसके बाद हमारे पास मैग्नेटिक टेप है। ठीक है, तो ये हमारे पास प्राइमरी मेमोरी है, मेन मेमोरी, और हमारे पास ऑक्सिलरी मेमोरी है, मैग्नेटिक डिस्क या फिर मैग्नेटिक टेप। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, स्टोरेज पैरामीटर, इसको हम बोलते हैं वैसे। ठीक है, तो सीपीयू कहाँ पे है, यहाँ पे, जो सीपीयू से नजदीक है वो तेज है, फास्ट है, यानी कि ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास क्या था, कंप्यूटर की जो है वो हमारे पास इंटरनल क्लॉक, जिसके ऊपर हम हर्ट्ज के ऊपर हम बात कर चुके हैं, जो हम जो सिस्टम की हमने जो बात की थी उसमें हम ये बात कर चुके थे, जब मैंने फ्रिक्वेंसी की बात की थी कि हमारे पास फ्रिक्वेंसी किस तरह से काम कर रही होती है। ठीक है, सिस्टम क्लॉक क्या होती है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, बहुत डीप नहीं जाएंगे वरना ये भी मेरे ख्याल में शायद डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। सिस्टम क्लॉक हैव बिकम स्पीडली फास्ट, फॉर एग्जांपल द फास्ट पीसी ऑपरेटेड एट 4.77 मेगाहर्ट्ज़। ठीक है, पुरानी बात कर रहा है, अब तो गीगाहर्ट्ज़ पे होता है। ठीक है, इज अ मेजर ऑफ साइकिल पर सेकेंड। ठीक है, मेगाहर्ट्ज़ मीन मिलियन ऑफ साइकिल पर सेकेंड, यानी कि कितने साइकिल जो है वो गुजर गए एक सेकंड के अंदर। और एक जो इसका साइकिल होता है ना, हमारे पास देखें, एक होता है, अब आप लोगों ने जो प्रकार से बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल नहीं पढ़ी, तो आपको नहीं पता होगा ये क्या चीज है। साइन वेव का नाम सुना होगा शायद, फिजिक्स वगैरह अगर किसी ने पढ़ी हो तो। क्या चीज, किसी को पता है साइन वेव? आ रहा है, अब तो आ रहा होगा पहली दे। अच्छा, तो हमारे पास क्या है, साइन वेव, और एक होती है हमारे पास साइक, वो भी ये ले लेना वापस याद से। ठीक है, अच्छा खैर, ये अब तो खैर पहले से थोड़ा सा विजिबल है, दैट इज कॉल्ड साइन वेव। साइन वेव एनालॉग होती है, और ये क्या है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की क्या है, ये सॉरी, ये एक्स और वाई प्लेन का पता है ना। ठीक है, ये एक्स है और ये वाई है, सबको पता होगा, तो समझाने के लिए बताना पड़ेगा कि ये 0 से स्टार्ट हुआ और 360 पे एड हुआ, तो एक पूरा ये क्या बन गया, सर्किल बन जाता है। अब वो यू बने या यू बने, बनेगा वो क्या, एक पूरा सर्किल बनेगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं साइन वेव। ये हमारे काम की नहीं है, सही है, अब हमारे काम का क्या है, हमारे काम का ये, ठीक है, जिसमें हमारा सिस्टम काम करता है, कौन सा सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, ये हमारे पास एक्स प्लेन है, ये वाई प्लेन है, तो ये यहां से शुरू होंगे, यहां पे खत्म होगा, ये क्या है, हमारे पास 0 है और ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है। ठीक है, और ये पूरा, अगर मैं इसको देखूं पूरे को, ये एक बॉक्स जो बनता है, ये पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, ये क्या है, साइन वेव तो एनालॉग में थी, ये डिजिटल में, ये एनालॉग सिग्नल है या डिजिटल सिग्नल है, उसको बस इतना ही रखने काफी है कि ये 0 1 जो हमारे पास बन रहा है। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स में हमने पढ़ा होता है, तो मुझे लगा कि शायद ये चीजें आपको आसानी से हजम हो जानी चाहिए। ठीक है, ये फिजिक्स में है, मैट्रिक की फिजिक्स में मेरे ख्याल में शायद। ठीक है ना, है ना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब ये क्या कह रहे हैं, अब ये कह रहा है कि
मिलियंस ऑफ साइकिल पर सेकंड, गीगाहर्ट्ज मींस बिलियंस ऑफ साइकिल पर सेकंड। अच्छा अब मैं क्या कह रहा हूँ, अब हम जब यहाँ से चलेंगे तो यहाँ पहुंचने में मुझे भी टाइम लग रहा है, अगर मैं इसको यहाँ से पहुंचाऊ कुछ टाइम तो लगा ना मुझे। तो वो ये कह रहा है, अब ये 01 कह रहा है कि एक सेकंड के अंदर जो है ना वो कितने निकल गए, बिलियंस ऑफ साइकिल निकल गए सेकंड के अंदर। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, बिलियंस ऑफ साइकिल क्या हुआ, चले गए। अच्छा अब मैं एक बात करता हूँ, जस्ट सपोज मैं यहाँ से कहता हूँ यहाँ तक, तो आप लोग मुझे बता दें क्या नंबर बन रहा है, बाउंड्री का नंबर बन रहा है कि ठीक है ये हमारे पास क्या बन रहा है नंबर 0101। तो अगर चार बिट का नंबर होगा, एक दो तीन चार बिट का नंबर, तो ये क्या बनेगा 1 2 4, ये पांच बनेगा। ठीक है तो ये कितना बनेगा, पांच बनेगा या फिर ये चार नंबर बनेगा। तो अगर मैं ऐसे ही बात करूं कि कितने साइकिल, एक साइकिल है, इस तरह के बहुत सारे साइकिल जो है ना वो एक सेकंड में निकल गए, यानी कि हमारे सिस्टम इतना फास्ट है कि इसको इतनी जल्दी रीड कर लेता है इस सारे डाटा को, कितने एक सेकंड के अंदर, कितने साइकिल को, बिलियंस ऑफ साइकिल को। अब ये बिलियन ऑफ साइकिल का काम है क्या, क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कि आप देखें कि आपके सिस्टम जो है वो गीगाहर्ट्ज में मेजर किए जाते हैं। ठीक है अगर हम बात करें तो मेरा सिस्टम क्या है इस वक्त 2.4 गीगाहर्ट्ज, मींस कि एक सेकंड के अंदर इसके अंदर से कितने साइकिल निकल जाते हैं 2.4 गीगाहर्ट्ज। गीगाहर्ट्ज है ना, गीगाहर्ट्ज को आप उसका डिवीजन कर लें, ठीक है बिट्स को आप कन्वर्ट करेंगे बाइट्स में, बाइट्स को अब सुनते जाइएगा। अगर आप लोगों को वैसे ये भी पता होगा कि वो आप लोग दूध लेने जाते हैं ना, दूध खैर हम लोग किलो बोलते हैं लेकिन वो लीटर में मिलता है। अच्छा आजकल चीनी महंगी हुई है तो चीनी की बात कर लेते हैं, तो चीनी हम लोग शुगर लेने के लिए जाते हैं तो हम क्या कहते हैं किलो, 2 किलो, ठीक है इस तरह से आता है ना। तो वो किलो में कितने हजार, कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो सेम एज इट इज वो ये कह रहा है कि एक 8 बिट का एक बाइट बनता है, फिर 1000 बाइट का 1 किलोबाइट बनता है, फिर 1000 किलोबाइट का 1 मेगाबाइट बनता है, फिर 1000 मेगाबाइट का 1 गीगाबाइट बनता है, और वो उसको 2.4 से मल्टीप्लाई कर लो तो कितने हो गए 2.4 गीगाहर्ट्ज। तो ये कितने बड़ा नंबर बन गया। तो अब आप सोचें हम सिर्फ 32 बिट की जब हम बात, 16 बिट की जब हम बात कर रहे थे तो उससे कितना बड़ा नंबर बन रहा था, 16 बिट से कितना बड़ा नंबर बन रहा था, मेरे ख्याल में 4 अरब हमने बनाया था कुछ। तो अगर इतना बड़ा साइकिल निकल रहा होगा तो कितनी कैलकुलेशन होती होंगी। ठीक है तो स्पीड आपकी मैं बताना चाह रहा था, बेसिकली ये स्पीड फ्रीक्वेंसी किस तरह से चल रही होती है। अच्छा वैसे जो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है ना, अगर ये चल रहा हुआ तो ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी आपके नंबर ऑफ साइकिल है। ठीक है इसमें मजीद कन्वर्जन में मैं नहीं जाऊंगा। तो अच्छा यहाँ तक क्लियर हुआ, ये कह क्या रहा है कि इंटरनल क्लॉक क्या कर रही होती है, उसको काउंट कर रही होती है, साइकिल्स को काउंट कर रही होती है। अब ये कह रहा है कि द कंप्यूटर ऑपरेटिंग स्पीड इज टाइड टू द स्पीड ऑफ द सिस्टम क्लॉक, फॉर एग्जांपल इफ अ कंप्यूटर्स क्लॉक स्पीड इज 8 मेगाहर्ट्ज इट टिक्स 800 मिलियन पर टाइम्स पर सेकेंड। ठीक है ये काउंट कर रहा है कि एक सेकेंड के अंदर कितनी फ्रिक्वेंसी निकल गई, ये कंप्यूटर क्लॉक अंदर इंटरनल क्लॉक लगी होती है वो ये काउंट कर रही होती है। तो अगर हम गीगाहर्ट्ज की बात करें तो कितने बिलियन है 2. अगर मेरे अपने वाले सिस्टम की बात करें तो 2.4 बिलियन साइकिल निकल जाएंगे, कितने 2.4 बिलियन साइकिल्स। तो स्पीड बढ़ती जा रही है। ठीक है क्लियर है यहां तक चीजें समझ में आ रही है। अच्छा बस की हम बात कर चुके थे, इलेक्ट्रॉनिक पाथवे, यानी कि एक इलेक्ट्रॉनिक पाथवे जहां इलेक्ट्रॉन का नाम आ गया ना वहां पर कहीं ना कहीं कोई कंडक्टर का नाम आ गया। Anyone knows about the conductor? What is conductor? ठीक है करंट पास क्या, अकेला अजहद पढ़ने आया मुझे लग रहा है। ठीक है कंडक्टर के अंदर हमारे पास क्या है कि जिसमें से हमारे पास करंट फ्लो कर सके, उसमें हमारे पास सिल्वर वायर भी आती है, वाटर भी है, कुछ अच्छे कंडक्टर है, कुछ बैड कंडक्टर है, बट ऑल आर द कंडक्टर्स। ठीक है कुछ में से बहुत अच्छा करंट पास होता है, कुछ में से कम पास होता है, बट ऑल आर द कंडक्टर्स। तो ये कोई भी हो सकता है। एक्सपेंशन बस कनेक्ट टू पेरिफेरल, एक्सपेंशन डिवाइसेस लगती हैं इसके अंदर। सिस्टम बस कनेक्ट सीपीयू एंड रैम, सीपीयू और रैम को आपस में कनेक्ट करती है, दैट इज कॉल्ड सिस्टम बस।
बैंडविड्थ जो बस की जो बैंडविड्थ है वो बिट्स में मेजर करते हैं, बाइट्स में नहीं करते। स्पीड इज टाइड टू द क्लॉक, ठीक है, वो जो क्लॉक है ना उसके साथ की स्पीड टाइड होती है, यानी कि अगर आपकी सिस्टम की स्पीड अगर जो है वो जैसे 2.4 गीगाहर्ट्ज़ है तो इसकी स्पीड भी 2.4 गीगाहर्ट्ज़ होगी। अच्छा, डाटा बस है और एड्रेस बस दो होती है, हम बात कर चुके हैं पहले कि वो कौन सी होती है। तो एड्रेस बस से एड्रेस जाता है, डाटा बस से डाटा आता है, ये अलग है, ये अलग है, इससे कभी भी एड्रेस नहीं जाएगा, इससे कभी भी डाटा नहीं आएगा। यहां से सीपीयू इस पर एड्रेस देता है और रैम यहां से क्या करती है, डाटा ट्रांसफर करती है, ठीक है। ये हमें बता रहा है 16 बिट की जो बस है, 2 बाइट्स उसमें एट अ टाइम जाते हैं, 32 बिट वाली तो 4 बाइट जाते हैं, 64 वाली है तो 8 बाइट जाते हैं, सिंपल 8 8 64, ठीक है, यहाँ पे 8 4 32 होगा, क्लियर है ये वाली बात। अब ये वो कन्वर्जन अगर घर पे आप लोगों ने करी होगी तो आपको पता होगा, वरना आपको ऊपर से जा रही होगी, ठीक है। जो हमने बिट टू बाइट कन्वर्जन करी थी और बिट टू डेसिमल जो हमने कन्वर्ट करी थी, वो अगर आपने उसको प्रॉपरली किया है तो ये वाले जो है ना चीज आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। फिर कुछ हमारे पास एक्सटर्नल बस स्टैंडर्ड्स हैं, हमारे पास ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर, लोकल बस, पेरिफेरल कंट्रोल इंटरफेस, एक्सेलेरेटर पोर्ट ग्राफ, यूनिवर्सल सीरियल बस, IEEE के। अच्छा, ये सारे जितने भी हैं ना हमारे पास जो बस स्टैंडर्ड्स हैं, ये डिफरेंट है। अब आप देखें कहीं कहीं पे आपको USB पोर्ट मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी, एग्जांपल दे रहा हूँ, कहीं पे आपको अगर आपको पता हो HDMI पोर्ट मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है। मेरे वाले में, मेरे लैपटॉप में HDMI पोर्ट नहीं है, VGA पोर्ट है और डिस्प्ले पोर्ट है, जिसके थ्रू मैं किसी भी एक्सटर्नल डिस्प्ले डिवाइस को कनेक्ट कर सकता हूँ अपने लैपटॉप के साथ, HDMI से नहीं कर सकता। और एक और थी DVI से नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास ये दोनों पोर्ट नहीं है। तो ये यही बता रहा है कि ये डिफरेंट टाइप्स की पोर्ट्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं जिसके थ्रू लगती हैं। अब ये फायरवायर वाली जो है ना, ये वाली, ये फायरवायर यूज होती है ज्यादातर उसमें एप्पल के फोन्स में, जैसे एप्पल दुनिया से अलग चलता है ना बिल्कुल अपने आप को अलग रखने के लिए, तो ये देते हैं फायरवायर का, शायद आपने कभी नाम भी ना सुना हो। अच्छा, पेरिफेरल PCIe हमारे पास, पेरिफेरल कंट्रोल इंटरफेस कनेक्ट मॉडेम्स एंड साउंड कार्ड्स फाउंड इन मोस्ट मॉडर्न कंप्यूटर्स। मैं आपको दिखाता हूँ ये किन चीजों की बात कर रहा है, ये इसकी बात कर रहा है, ये जो कार्ड है ना ये अलग से लगते हैं, इसमें हो सकता है कोई साउंड, ऐसा नहीं है कि आपके मदरबोर्ड में साउंड कार्ड नहीं है या आपके मदरबोर्ड में वीडियो कार्ड नहीं है, लेकिन आप उसको एनहेंस करना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आप साउंड कार्ड लगाते हैं, आप उसमें वीडियो कार्ड लगाते हैं, ठीक है, या और कोई रिक्वायरमेंट के कार्ड लगाते हैं इसके अंदर, जैसे आपका दिल करता है। जैसे ये मेरे पास एक टी हल्का कार्ड लगा हुआ है, ये पहले यूज होता था टेलीकम्युनिकेशन के अंदर, तो यहाँ पे कार्ड लगता था पहले, टी हल्का इसको बोलते हैं, HALC करके, ये भी पोर्ट है, ये वैसे अब आती नहीं है, ये खत्म होगी, पुरानी पोर्ट है। ठीक है, उसके बाद है एक्सेलेरेटेड ग्राफिक पोर्ट्स AGP, ठीक है, पहले आते थे एक्सेलेरेटेड ग्राफिक पोर्ट्स, कनेक्ट वीडियो कार्ड टू मदरबोर्ड, एक्सट्रीमली फास्ट बस फाउंड इन ऑल मॉडर्न कंप्यूटर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ना, ये कार्ड जो मैंने बताया कि आप एक्सटर्नल कार्ड इसमें आप यूज कर सकते हैं, जैसे आजकल के दौर में आप ब्लूटूथ से सिस्को लगा सकते हैं, क्या नाम है इसका, स्पीकर लगा सकते हैं, और क्या लगा सकते हैं, एयरपोर्ट लगा सकते हैं, ठीक है, इस तरह से आप लगा सकते हैं कुछ भी, तो वो भी एक हमारे पास कनेक्टिविटी है। लेकिन ये तो खैर फिजिकल की बात कर रहा है कि हार्ड ड्राइव इसमें लग रही है। अच्छा, वो देखा आप लोगों ने कुछ कुछ आईफोन में ना वो पोर्ट सी लगती है, किसी ने लगाया है वो, जिसके थ्रू जो है ना वो आपके ब्लूटूथ कनेक्ट होते हैं, छोटी सी पोर्ट आती है, मुझे आईफोन का इतना आइडिया नहीं है इसलिए मुझे उसका नाम नहीं पता। फिर हमारे पास USB, एवरीवन नोस, यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है, कनेक्ट एक्सटर्नल डिवाइसेस, हॉट स्वैपेबल, अलाउ अप टू 127 डिवाइसेस, कैमरा, प्रिंटर, स्कैनर, इसमें दो चीजें हमारे काम की है, हॉट स्वैपेबल। हॉट स्वैपेबल ये होता है कि आप स्वैप का मतलब होता है कि आप उसको जो है ना
किसी भी टाइम पे लगा सकते हो। जो इससे पहले वाले जितने डिवाइसेस थी ना, ये हो गई, इनमें से कुछ ज्यादातर ऐसी हैं जो हॉट स्वैपेबल नहीं है, कोल्ड स्वैपेबल है। कोल्ड स्वैपेबल का मतलब होता है कि आप सिस्टम को पहले शट डाउन करोगे, फिर आप वो लगाओगे, फिर दोबारा सिस्टम को स्टार्ट करोगे। हॉट स्वैपेबल में ये होता है कि आपको सिस्टम लगाने की जरूरत नहीं। तो आपने देखा कि सारी चीजें यूएसबी पे आ गई, प्रिंटर, कैमरा, स्कैनर, अब जो दुनिया की चीज का नाम लोगे ना, वो यूएसबी पे जाती जा रही है। वो इसीलिए जा रही है क्योंकि आपको आपका सिस्टम शट डाउन नहीं करना पड़ता। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। और ये 127 का बात कर रहा है कि एक यूएसबी की जो पोर्ट होती है ना, एक जो पोर्ट है उसपे दो, एक होता है डेजी चेन होता है और एक और होता है डेजी चेन के थ्रू आप उसपे 127 डिवाइस लगा सकते हो। ठीक है, 127 मतलब आप आगे 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 करते करते उसपे आप उसपे हाफ मिलता है, हाफ लगाते रहो तो आप कितनी लगा सकते हो, 127। पीसी कार्ड है हमारे पास, ये है डी हल्का कार्ड, ये लगता था इसके अंदर, ये भी होट स्वैपेबल है। ये अब निकल नहीं रहा, वरना मैं निकाल के दिखा देता आपको ये, क्योंकि ये आपको कभी देखने को मिलेगा ही नहीं। अब ये मेरा वाला कंप्यूटर चला गया तो कौन बताएगा आपको, क्योंकि ये एसी में है और ये भी बेचारा 2005 का है मेरे ख्याल में, 2007 का। अच्छा, डिवाइस आता है साइज ऑफ द क्रेडिट कार्ड, छोटी सा होता है क्रेडिट कार्ड के जितना, और आप इसको जो ना वो लगा सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसी कार्ड की तरह होता है, इसको हम निकालेंगे, इसकी जगह मैं इसको लगा दूँ। ठीक है, ये क्लियर है यहाँ तक, किसी को भी नहीं, चलो ठीक है। अच्छा, परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन ऑफ कॉमन बसेस, अब जो बस हमने कही है उस पर वो कुछ स्पीड बता रहा है कि अब AGP 8 का मतलब है 32 बिट की होती है, 2.1 गीगाहर्ट्ज़ की होती है और हॉट स्वैपेबल नहीं है। अच्छा, कोई बताएगा ये इसका क्या मतलब है? चलो मैंने तो बता दिया ऊपर वाला, ये नीचे वाला कोई बता दे ये इसका क्या मतलब है, कोई भी एक बता दे। देखें, डिस्कस करेंगे तो जागते रहेंगे तो दिमाग जो है ना वो नहीं, मैं वो नहीं कह रहा। देखें, मैं ये नहीं कह रहा कि वो है क्या, मैं ये कह रहा हूँ कि ये विड्थ, ट्रांसफर स्पीड और हॉट स्वैपेबल, हम ये तीन चीजों पे डिस्कस कर चुके हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ। जैसे फायर वायर है और ISA है, तो इस दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, ये क्या क्या बात कह रहा है। जैसे फायर वायर 32 बिट है, ISA 16 बिट है, तो क्या मतलब हुआ? ठीक है, उसका बिट ज्यादा है उसके, यानी कि वो ज्यादा बड़ा नंबर जो है ना वो ट्रांसफर रेट कर सकता है। अच्छा, अगली बात है ट्रांसफर स्पीड, यानी कि कितना स्पीड कर सकता है, एक तो बड़ा आ गया और कितना भेज सकता है। तो इसकी मुराद में एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि हमारे पास एक पाइप है, पानी का पाइप है, तो एक तो हम ये कह रहे हैं कि उस पानी का साइज क्या है, वो पाइप का साइज क्या है। ठीक है, मोस्टली जो आते हैं हमारे पास 1 इंच 1.5 इंच के जो पाइप आते हैं, एक तो हो गया पाइप का साइज, वो हो गया बिट। अब उसमें से कितनी तेजी से पानी जा रहा है, दैट इज कॉल्ड द ट्रांसफर स्पीड। ठीक है, अब उसमें अगर मैं एक बात करूं, एग्जांपल दे रहा हूं, अब वो अगर तो वो आपके पास 1 इंच का पाइप है, तो आप जितना मर्जी स्पीड से उसमें पानी दे दो, उसमें एक स्पेसिफिक तक ही इसमें फास्ट जा सकता है, उससे ऊपर नहीं जा सकता। तो सेम ऐसे इसमें भी यही है, ये 32 बिट है, 400 मेगाहर्ट्ज़। अच्छा, कोई बताएगा यस का क्या मतलब है? हॉट स्वैपेबल, यस, ठीक है, आप उसको पावर ऑन पे भी सिस्टम के आप इसको स्वैप कर सकते हैं। और ISA में क्या हमारे पास, वो हॉट स्वैपेबल नहीं है। पीसी कार्ड हॉट स्वैपेबल है, जैसे मैंने बताया आपको, PCI नहीं है, USB है। ठीक है, आप समझ में आ रहा है कुछ? अच्छा, ओ है, पेरिफेरल कंट्रोल इंटरफेस है, यही नाम है ना इसका, गलत तो नहीं बता रहा, क्योंकि अब ये यूज नहीं होते, लेकिन इसका पेरिफेरल कंट्रोल इंटरफेस, पेरिफेरल कंट्रोल इंटरफेस मैंने बताया था कि ये होते हैं हमारे पास, ये कार्ड जो लगे हुए ना, वो तीन जो कार्ड लगे हुए ये बड़े बड़े, ये पेरिफेरल। पेरिफेरल का मतलब क्या है कि हमें आउटर को डिवाइस कनेक्ट करनी है और उसको हम ऐड करना है। पेरिफेरल डिवाइसेज हमेशा वो होती हैं जो हम बाहर से किसी चीज को कनेक्ट करें। ठीक है, तो आपके ये नॉर्मली जो मैंने ये लगाया है, ये भी पेरिफेरल है। ठीक है, ये माउस लगा रहा हूँ, ये भी पेरिफेरल डिवाइसेज में आते हैं। ठीक है, कैशे मेमोरी सबसे फास्ट है, वेरी फास्ट मेमोरी होल्ड्स कॉमन और रिसेंटली यूज्ड डेटा, स्पीड अप कंप्यूटर प्रोसेसिंग, मोस्ट कंप्यूटर हैव सेवरल कैशे, L1, L2, L3। ये वो चीज है जिससे आप लोग
इस कैपेबल हो जाएंगे कि आप अगर आप मार्केट में कंप्यूटर खरीदने के लिए जाते हैं तो आपको पता होगा कि इसमें यार ये जो कॉन्फ़िगरेशन लिखी है ना इसके अंदर ये क्या चीज क्या क्या बात करती है। ठीक है, देखें जितनी ज्यादा कैशे होगी, अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, मैंने क्या किया, मैं अभी विंडोज में गया, अपने कंप्यूटर में गया और मैंने वहां पर जाके, अभी जैसे मेरे पास एक्सेल नहीं चल रहा, मेरा पावर पॉइंट चल रहा, मैंने एक्सेल पर डबल क्लिक किया, तो एक्सेल जब मैं डबल क्लिक करता हूँ तो वो कितनी देर में लोड होके मेरे पास ओपन होके आ जाएगा अंदाजन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मैं उसको क्लिक करता हूँ तो कितनी देर में ओपन होके आ सकता है मेरे पास, मेरे पास जल्दी आ जाएगा क्योंकि मेरे पास एसएसडी लगी है, हमने कहा देख हाँ लिखा हुआ था, ठीक है मेरे पास एसएसडी लगी हुई है तो इसलिए मेरे पास जो है वो फास्ट होगा। ठीक है, और मेरे पास 6 GB की रैम लगी हुई है, दो बातें, तीसरी बात मेरा विंडोज 10 लगी हुई है, ठीक है तो भी फास्ट होगा। चले हम इन बातों को साइड में रखते हैं, हम एक जनरल व्यू में बात करते हैं, एक आम सा कंप्यूटर है और उसके अंदर मैंने वर्ड ओपन किया तो होता यह है कि जो वर्ड की फाइलें हैं वो कहाँ पे लोड होती हैं, कैशे पे, और कैशे में वो क्या कह रहा है, कौन सा वाला डाटा होता है, रिसेंट यूज्ड कौन सा है, जो अभी 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 मैंने जिस पे क्लिक किया है उसको सबसे ज्यादा जो है ना टाइम मिलना चाहिए क्योंकि वो ही मैंने सबसे ज्यादा अपेयर करवाना है, तो उसके लिए वो उसका डाटा जो है वो कहाँ पड़ा हुआ है, तो आपके हार्ड ड्राइव में, हार्ड ड्राइव से उठा के रैम पे, रैम से उठा के कहाँ पे, वो जो हमने पैरामीटर देखा था, ठीक है तो उसमें कहा था पहले हार्ड ड्राइव से उठेगा, रैम पे लोड होगा, रैम से लोड होने के बाद कैशे में जाएगा, तो कैशे में तो इतनी जगह ही नहीं होगी। एक चीज तो मैं बताने भूल गया आप लोगों को कि पैरामीटर के अंदर वो जो स्टोरेज पैरामीटर था उसके अंदर वो स्टोरेज कंप्यूटर से जितना नजदीक है वो उतना ही महंगा है, जितना दूर है उतना सस्ता है। ठीक है, यानी कि स्टोरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं कि हार्ड ड्राइव का 1 MB और रैम का 1 MB, तो रैम के 1 MB के अंदर हार्ड ड्राइव का जो है ना वो आपके पास 100 MB आ गया, फिर आगे चले जाएं तो कैशे मेमोरी के जो है ना आपके 1 MB के अंदर रैम के 100 MB आ जाएंगे, कॉस्ट बढ़ती जा रही है। ठीक है, जैसे जैसे स्पीड बढ़ रही है स्टोरेज भी कम हो रहा है और कॉस्ट भी बढ़ती जा रही है, तो अब आपने अब आपके पास क्या होगा, L1 hold recent used data, L2 hold upcoming data, L3 hold possible upcoming data। सबसे जो बड़ा स्टोरेज होता है ना, अब कैशे के अंदर भी 3 लेवल होते हैं, L1, L2, L3। L1 near to processor, कैशे के अंदर सबसे ज्यादा नजदीक, उसके बाद प्रोसेसर के जो L1 के बाद है नजदीक वो L2, उसके बाद जो नजदीक वो L3। अब L1 जो है वो आपके पास जो है L1 जो है ना वो बहुत छोटा होता है, उससे थोड़ा सा बड़ा होता है L2 से थोड़ा सा बड़ा होता है L3। ठीक है, तो अब आपके पास जो मोस्ट रिसेंट जो आपने फाइल ओपन करी थी वो कहाँ पे लोड होगा, तो इसकी बड़ी चीज की स्टोरेज नहीं, तो वो क्या करता है कि हार्ड ड्राइव से डाटा उठाता है, रैम पे डालता है, रैम से डाटा उठाता है L3, L3 से L2, L2 से L1, L1 से प्रोसेसिंग, एग्जीक्यूशन हुई, बाहर नया डाटा। लेकिन वो जो L जो कैसे पड़ा हो उसकी इतनी वैल्यू नहीं है कि वो उतना डाटा को स्लो करवा सके, प्रोसेसर तो बहुत फास्ट है, ठीक है प्रोसेसर बहुत ज्यादा फास्ट है, ठीक है वो तो फौरन से डाटा को प्रोसेसिंग करके निकाल देता है, लेकिन ये जो स्टोरेज डिवाइस है ना ये थोड़ा पीछे है तो वो उसको हम कवर नहीं कर पाते। तो L1 L2 L3, ठीक है क्लियर है कहां पे क्या काम कर रहा है L1 L2 L3। अब आगे चलते हैं, इसकी जो इंपॉर्टेंट बात है इसमें वो चीज है कि नहीं है, अच्छा ये नीचे से दिया तुमने, ठीक है अच्छा अब हम बात करते हैं हमारे पास जो इस वक्त मार्केट में जो लेटेस्ट प्रोसेसर है, जब मैंने स्लाइड बनाई थी तो उसके ऊपर कोरा I9 था, अभी हो सकता है वो कोरा I11 है रखा है शायद, आज फिलहाल उसपे काम हो रहा है रात का रखा है क्योंकि मेरे पास बहुत अच्छे पैसे नहीं है तो मैंने लैपटॉप नहीं लिया, इससे काम चलता है। अच्छा तो हमारे पास क्या है, इंटेल कोरा I9, ठीक है तो अब आप देखते रहिएगा तो प्रोसेसर में मतलब L1 L2 L3 रजिस्टर ये कहाँ पे क्या काम कर रहा है, जब हम मार्केट में लेने जाते हैं या स्पीड कहाँ पे क्या काम कर रही है, या जब हम कोई कंप्यूटर ले रहे हैं तो हम अभी कंप्यूटर की बात करें प्रोसेसर की बात करें तो उस प्रोसेसर में हमें क्या दे रहे हैं, तो हम देखें सबसे ऊपर जो आ रहा है वो आ रहा है आपके पास i7 और नीचे जो आ रहा है वो आपके पास आ रहा है i9 यहाँ पे क्लियर है, समझ में आ रहा है कहाँ पे क्या है। अच्छा इसका जो नॉर्मली जो कॉलम का नाम होता है वो ऊपर होता है, मैंने नीचे लिखा हुआ ये रहा, ठीक है अच्छा ये हमारे पास क्या है, ये भी इंटेल का है, ये भी इंटेल का है, ये कोरा i7 है, ये कोरा i9 है,
ठीक है, ये 2011 में आया, 2017 में आया, इसकी स्पीड कितनी है, इसकी कितनी है, ये डिफरेंट प्रोसेसर हैं, डिफरेंट उसकी टाइप्स हैं, एक ही के अंदर डिफरेंट सीरीज है उसकी, तो वो कह रहे हैं एक 3.0 का, एक आपके पास 4.0 का, और ये आपके पास कितना है 2.90 या मैक्स जो है वो जाएगा 4.3 GHz के ऊपर, ठीक है। ये आपके पास जो है ना ये चिपसेट होती है, ये जो LGA लिखा हुआ है ना, ये आपके पास सॉकेट होती है, ये जो पिने नहीं होती, पिने कभी देखा है प्रोसेसर, प्रोसेसर देखा कभी, उसके आगे ना पिने लगी होती है, आप जैसे समझ लें कि भाई ये अब ये पिन है, तो ये पिन इसमें फिक्स होगी तो ये कंप्लीट होगा ना, तो ऐसी प्रोसेसर के आगे पिने होती है जो जाके उस पर फिक्स हो जाती है, ठीक है। अच्छा ये फिर बता रहा है आपके पास ये, अब इसमें वो बता रहा है डिफरेंट टाइप का, अब अगर मेरे पास बॉल पैन होता तो उसमें भी पिन, इसमें इसको बंद करने का तरीका ये है, जो पुराने पियानो के पैन आते थे, अब नया आ गया उसमें ये है, काम तो एक ही कर रहा है, लेकिन क्या हो गया, सॉकेट टाइप चेंज हो गई, ठीक है। तो किसी में पिने ज्यादा होती है, किसी में पिने कम होती है, समझ में आ रही बात, किसी में पिने हॉरिजॉन्टल लगी होंगी, किसी में जो वर्टिकल लगी होंगी, किसी का साइज छोटा होगा, ये सब ये कौन डिस्कस कर रहा है, LGA, ठीक है, सॉकेट टाइप। अच्छा उसके बाद ये बात कर रहा है फैब्रिकेशन, फैब्रिकेशन से मुराद क्या आपकी, कि उसके अंदर जो कॉम्पोनेंट्स है प्रोसेसर के अंदर वो आपस में कितना दूर है, तो ये कह रहा है कि 14 नैनोमीटर है यहाँ पे, 22 नैनोमीटर है, 32 नैनोमीटर आपस में दूर, दोनों के दरमियान में कितने दूर है, जो अंदर प्रोसेसर के अंदर कॉम्पोनेंट लगे हुए हैं। आजकल हर तरफ शोर मचा हुआ है कि सैमसंग ने 8 नैनोमीटर के ऊपर जो है ना वो मोबाइल जो है ना वो लॉन्च कर लिया, और आईफोन कह रहे हैं मेरे ख्याल में मैंने कर लिया, मेरे ख्याल में शायद, अब जो पहले कर लेगा वो ज्यादा बेहतर हो, क्योंकि जितनी कम स्पीड होती है ना उतनी ही ज्यादा, और जितना डिस्टेंस कम होता है उतनी स्पीड ज्यादा होती है, ठीक है। तो जितना कम होगा, देखें 14 नैनोमीटर वाला महंगा होगा, 22 नैनोमीटर वाला उससे सस्ता होगा, 32 नैनोमीटर वाला उससे महंगा होगा, तो सबसे सॉरी सस्ता होगा, सबसे महंगा कौन सा होगा, 14 वाला, उससे महंगा सॉरी उससे सस्ता 22, उससे सस्ता 32, जितना ज्यादा नैनोमीटर होगा उतने ही रेट कम होते जाएंगे, इज दैट क्लियर। अच्छा उसके बाद है हमारे पास वॉटेज, तो इसके देखें वॉटेज कम है, इसके ज्यादा है, ठीक है। पावर जो ले रहा है, पावर ये 130 वाट ले रहा है और ये आपके पास 140 वाट ले रहा है तकरीबन, ठीक है। ये आपके नंबर ऑफ कोर बता रहा है, ठीक है। ये आपके पास इसमें 4, 6, 8 है और इसमें 10 से 18 है, ठीक है। कोर जब हम बात करेंगे, अभी कोर जब आएंगे तो इसको फिलहाल रहने दें, ठीक है। बस स्पीड क्या होती है, बस अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, अभी तो बताया था कि बस क्या है हमारे पास, जिसपे डाटा ट्रेवल हो रहा है, जैसे कंट्रोल बस है, यहाँ पे हमारे पास दूसरी कौन सी है, डाटा बस है, तो उस डाटा बस की स्पीड बता रहा है कि इसकी कितनी है, इन दोनों की मिलाकर भी इससे ज्यादा नहीं है, इसकी कितनी है, 8 GB ट्रांसफर पर सेकेंड कर रहा है। अच्छा उसके बाद है, अब ये आ गया L1 कैसे, अब आ गए हम अपने वाली जगह पे, देखें L1 कैसे कितना है, 64 KB, कितना होता है 64 KB, आजकल तो एक तस्वीर नहीं होती 64 KB की, वो भी इससे बड़ी होती है, कभी देखा है इमेज साइज कितने MB की होती, कितने KB, MB में तो होती, KB में तो होती भी नहीं है, नहीं नहीं किसी भी फाइल का साइज जो होता है, छोटी से छोटी को फाइल ले ले तो उसका साइज कितना होता है, MB में होता है, KB में तो होता ही नहीं है। और ये 2017 में Core i9 की बात कर रहा है, उसमें कह रहा है L1 जो है ना 64 KB, ठीक है, समझ रहे हैं कितना हो रहा है। L2 उससे दूर, स्टोरेज ज्यादा, कितना है 1 MB। अब ये पर कोर की बात कर रहा है ना, तो पर कोर में यानी कि जितने प्रोसेसर होंगे ना उनके साथ, हर एक कोर के साथ एक L2 लगी हुई है। अच्छा L3 की बात करेंगे तो कितनी है, 13.75 MB, बढ़ गई, जितनी दूर होती जा रही है उतनी बढ़ती जा रही है, ठीक है। और फिर आखिर वाली जो है वो उसको छोड़ दें, वो खैर यहाँ पर आप समझ में आया कि आपको आपके सिस्टम जब परचेज कर रहे होते हैं, आपको प्रोसेसर ले रहे होते हैं, तो उसमें आपको किन चीजें क्यों देखनी पड़ रही होती है, और उसको देख के आपको क्या समझ में आएगा, समझ में आएगा कि कैसे लेंगे प्रोसेसर लेना है अगर आपको। यू ऑल आर बिकम मैनेजर इंशाल्लाह, इस पर भी सुन, इस पर तो बोल दो इंशाल्लाह, नहीं बनना टेक्नीशियन बनना है, हेल्पर बनना है, क्लर्क बनना है, एक ही को बनना है। अच्छा तो अगर आप कभी आपको परचेजिंग करनी है या कोई ऑडिट होता है या परचेज करना पड़ता है, आप किसी भी इदारे में हैं तो आपके सामने से अगर कोई चीज जा रही है तो आपको पता तो होगा कि इसको कैसे देखना है,
ठीक है, तो इसीलिए आपको पता तो ये इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग आपको इसीलिए पढ़ाया जाता है उन लोगों को जो कि नॉन कंप्यूटिंग के हैं, ताकि आप लोगों को कंप्यूटर के बारे में पता हो। ठीक है, तो ये वाली चीज है। यहाँ पे किसी को कोई चीज ऐसी जो समझ में ना आई हो तो पूछ सकता है। अच्छा, ऊपर वाले में कम है, आपने गौर किया? ये इस वाले में कम है, ये 64 के बी तो बराबर है लेकिन ये कम है, 256 के बी है, हालांकि इसमें 1 एमबी है ज्यादा है, यानी कि 4 गुना ज्यादा है। इसमें 12 से 20 एमबी है और इसमें 24 एमबी 25 एमबी तक करना है आपको। खाली ये 25 एमबी होने से ना, मैं बता रहा हूँ आपको, वो i7 और ये i9 के अंदर जो है ना, इसके इसके अंदर खाली 25-30 हजार रुपए का फर्क है, सिर्फ इन चीजों की वजह से। 25-30 हजार रुपए में आपको जो है ना, मेरे ख्याल में अगर 30 हजार की बात करें तो आपको 1 टेराबाइट की जो है ना 4 हार्ड ड्राइव मिल जाएंगे, अगर मैं HD की बात करूं। ठीक है, तो वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ बेसिकली कि प्रोसेसर में जो जितना स्पीड उसके नजदीक है, जितना स्टोरेज उसके नजदीक है, वो कितना ज्यादा महंगा है और कितना ज्यादा फास्ट है। क्लियर है यहां तक सबको? ठीक है, अच्छा ये हम एक छोटी सी वीडियो है, ये हम वीडियो देख लेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर हम जो है वो देख ले लेंगे। अच्छा, कंप्यूटर चिप, चिप क्या है हमारे पास? आल्सो कॉल्ड चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट या स्मॉल वेफर ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर वो है जिसमें करंट पास होता है और नहीं भी होता, ठीक है, हाफ कंडक्टर जिसको कहते हैं। मटेरियल एम्बेडेड विद इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, और चिप्स कंप्रोमाइज द प्रोसेसिंग एंड मेमोरी यूनिट्स ऑफ द मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर। अच्छा, ये मॉडर्न कंप्यूटर जो कह रहे हैं, पहले एनालॉग कंप्यूटर भी थे, तो अब जो कंप्यूटर है वो डिजिटल कंप्यूटर है, बस इनको मॉडर्न कंप्यूटर कह रहे हैं। तो अभी जो हम यूज करते हैं ना, ये सारे मॉडर्न कंप्यूटर। अब माइक्रो प्रोसेसर जो अभी आप लोगों के पास सिस्टम में है या आपके मोबाइलों में, ये माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, समटाइम कॉल्ड अ लॉजिक चिप, इसको लॉजिक चिप भी कहते हैं, ठीक है, इज अ कंप्यूटर प्रोसेसर और अ माइक्रो चिप। द माइक्रो प्रोसेसर कंटेन्स ऑल और मोस्ट ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये आपको बता चुका हूँ कि माइक्रो प्रोसेसर या जिसको प्रोसेसर कहते हैं, वो क्या करता है, सारे जितने भी आपके पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, सारी वही परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। और ये हमारे पास ये कह रहा है कि जैसे कोई इंजन है और योर कंप्यूटर के अंदर। अच्छा, अब ये बनाइए, रेत ली, एक स्पेसिफिक रेत है, उससे क्या किया इन्होंने, तो जमा किया और उससे ब्लॉक्स बनाए, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ सिलिकॉन। सिलिकॉन है बेसिकली, रेत होती है, ठीक है, उसके डिफरेंट इसमें क्या काटे, बिस्किट्स काटे, इसको बिस्किट बोलते हैं, ठीक है, बिस्किट ऐसे होते हैं ना इसमें, तो हाँ बोलते हो यार, बिस्किट भी नहीं खाया कभी, बिल्कुल ही सुन चल रहे यार।
ठीक है, तो अब आपको आपको पता चला होगा, मैं इसमें एक चीज ये दिखाना चाहूंगा आपको जरूरी, कि अगर मैं यहाँ पे आऊँ, ये देखिए कि छोटी सी चिप है, आप लोगों ने प्रोसेसर देखा है, ये कभी इसको देखा है, इतना सा होता है, छोटा सा। अच्छा, इतने से प्रोसेसर के अंदर भी वो इतनी सी चिप है, सिर्फ छोटी सी है बिल्कुल, और ये डे बाय डे जो ना और छोटी होती जा रही है। ठीक है, बाकी चीजें क्या है कभी सोचा है? थिंक अबाउट इट। बाकी क्या कहानी है इतनी सारी, इतना जो ऊपर लगाया इन्होंने, ये क्या है, ये ऊपर क्या लगाया? अभी किसी को नाम आया था क्या, कुछ कहा था किसी ने? हीट सिंक लगाई है, ठीक है, ताकि इसको ठंडा रख सके, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो बहुत ज्यादा होता है तो वो गर्म होती है। अच्छा, नीचे सॉकेट लगाई है उन्होंने, क्योंकि अगर उतने जो छोटे ना उसमें इतनी पिने बन नहीं सकती, जितनी पिने रिक्वायर्ड है ना उतनी पिन नहीं बन सकती, तो फिर वो मदरबोर्ड पे लगेगा कैसे? तो इसलिए उन्होंने उसके अकॉर्डिंगली, सॉकेट के अकॉर्डिंगली पिन्स बनाया, जितनी पिन्स बन सकती है उतनी बनाया। तो ये इतना सा मेरे ख्याल में होगा, छोटा सा, वैसे नॉर्मली इतना ही होता है, ठीक है, इतना छोटा सा ही होता है, और इसके अंदर चिप भी फिर इतनी छोटी सी होती है, बिल्कुल छोटी सी होगी, इतना सा प्रोसेसर होता है आपका, जो हम जितनी प्रोसेसिंग की बातें कर रहे हैं वो सारी ये है हमारे पास। ठीक है, और ये मेरे ख्याल में इससे कोई 20 गुना बड़ा जाना इसका डब्बा होता, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है प्रोसेसर था। यहाँ पे किसी को कोई भी चीज पूछनी है या सबको क्लियर हुआ है? ठीक है, तो सेमीकंडक्टर बेसिकली हमारे पास होता है सिलिकॉन, ठीक है, जिसमें से करंट फ्लो करता है हमारे पास, फुल कंडक्टर नहीं है, सेमीकंडक्टर है,